गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज क्लास एट के लिए हिंदी ग्रामर में हम पाठ दस क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे। क्रिया को परिभाषित करने के लिए इस प्रकार से बताया जा रहा है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, रोना, यह क्रिया है। अब क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्द से होती है। क्रिया का मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे पट, पट जो है वह धातु है। पट से बना पढ़ना, यह क्रिया है। बद, बद का अर्थ होता है बोलना, तो यह धातु है। क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है, काल के अनुसार परिवर्तित होता है, अवस्था के अनुसार परिवर्तित होता है। अब यहाँ लिंग के अनुसार परिवर्तन में क्रिया का रूप आप समझ सकते हैं कि राहुल पढ़ रहा है, यानी राहुल लड़का का नाम है तो पढ़ रहा है, और सोनिका पढ़ रही हैं यानी वह लड़की है इसलिए वह पढ़ रही है, तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। समझ में आ गई होगी। अब है काल के अनुसार। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ हम क्रिया को इस प्रकार बताते हैं कि कल स्कूल में मैच होगा, यानी हम यह बताते हैं तो यह जो है शब्द कल स्कूल में मैच होगा यानी यह भविष्यत काल को प्रदर्शित करता है। आने वाले कल के बारे में बताया जा रहा है। और अगर हम इस बात को बोलें कि स्कूल में मैच हो रहा है तो वह वर्तमान काल को दर्शाता है, तो क्रिया का रूप बदलता है, होगा और हो रहा है। अवस्था के अनुसार भी क्रिया के रूप बदलते हैं। बचपन के दिन सुहावने होते हैं। बचपन का जो दिन होता है वो बहुत लाड़ प्यार भरी जिंदगी होती है, बहुत सुहावना होता है, और बुढ़ापे का दिन कष्टदायक होता है। तो दिन दोनों में समान रहा, लेकिन अवस्था के अनुसार जो है वह अपनी क्रिया को अलग अलग रूप में समाहित करता है। अब यहाँ देखना है कि क्रिया के मूल रूप में जब न लग जाता है तो एक नवीन क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल, चल में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह चलना है, एक नवीन क्रिया है। रुक, रुक में अगर हम ना जोड़ते हैं तो बनता है रुकना, यानी ना जो है वह प्रत्यय है, वह शब्द के पीछे आकर जुड़ के उसके रूप में परिवर्तित कर दिया है। क्रिया के भेद, अब क्रिया के तीन भेद हैं। क्रिया के निम्नलिखित तीन प्रकार से वर्णित किया जाता है, काल के आधार पर, प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब काल के आधार पर जब हम क्रिया को देखते हैं तो वह तीन काल में बढ़ जाता है। भूतकालिक क्रियाएं, वह क्रिया जो समाप्त हो गई, कार्य जो समाप्त हो गया वह भूतकालिक क्रिया है। जैसे मैंने पढ़ाई कर ली,
यह भूतकालिक क्रिया का उदाहरण हुआ। वर्तमान कालिक क्रिया वह क्रिया जो अभी चल रही है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यह वर्तमान कालिक क्रिया हुआ। और भविष्यत कालिक क्रिया जो है, मैं पढ़ाई करूँगी, यह भविष्यत कालिक क्रिया हुआ। तो क्रिया को हम काल के अनुसार इस तरह दर्शाते हैं। और व्याकरण के दृष्टिकोण से क्रिया शब्द के बिना वाक्य की रचना नहीं होती है, यह आप जानते होंगे। किसी भी वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। और क्रिया का जो रूप होता है वह वाक्य के शुद्धि को प्रदर्शित करता है, वाक्य की जानकारी देता है कि वह क्रिया कब हुई, कब हो रही है, कब होगी। इसके द्वारा व्यक्तियों को बहुत कुछ बातें सामने रखने में सहूलियत होती है। प्रभाव या कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, यानी क्रिया का जो प्रभाव है उसका वाक्य में क्या असर होता है। इसके दो रूप हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में कर्म जुड़े होते हैं तो वह क्रिया जो है सकर्मक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझें, कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म के साथ की जाने वाली क्रिया सकर्मक कहलाती है। मैं कलम से पत्र लिखती हूँ, यानी पत्र लिखने का जो कार्य है वह किसी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यह क्रिया जो है यह सकर्मक के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसी वाक्य को लिखते हैं कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तो इसमें अगर हम यह भी ना लिखें कि पत्र लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो यह क्रिया अकर्मक होगी कि मैं क्या लिख रही हूँ यह पता नहीं है, इसमें कर्म जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्रिया में भी दो भेद हैं। जैसे जैसे आपकी कक्षा आगे बढ़ते जाएगी, हिंदी व्याकरण का विस्तार उस तरह से होते जाएगा। आप क्लास वन में सिर्फ क्रिया की परिभाषा पढ़े थे, क्रिया की पहचान किए थे, अब क्रिया के रूप को समझे, क्रिया के भेद को समझे, क्रिया के बदलने के रूप को समझे। तो जिस तरह से आपकी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएगी उसका रूप विस्तृत होते जाएगा। अब है सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक क्रिया जो है एककर्मक और दूसरा है द्विक्रमक। एक कर्मक का अर्थ होता है एक कर्म का बोध होता है, एक कर्म उसमें जुड़ा होता है। जैसे दीपिका ने माला बनाई, दीपिका ने एक ही काम की, वह माला बनाई। और द्विकर्मक क्रिया यानी जिसमें दो कर्म जुड़े हुए हैं वह द्विकर्मक क्रिया का पहचान है। जैसे सीमा ने सौम्या से गीत सुना, सीमा सुनी भी और किससे सुनी, तो सौम्या से सुनी। दो काम इसमें जुड़े हुए हैं, एक तो खुद का काम उसने सुनने का की, दूसरे से सुनाने का की, इसलिए यह क्रिया जो है यह द्विकर्मक क्रिया का पहचान है। उदाहरण को या परिभाषा को जब आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको प्रश्नोत्तर को हल करने में, उदाहरण को समझने में, वाक्य को समझने में सहूलियत महसूस होती है। अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलके बना है, अ जोर क्रमक। अ का तात्पर्य होता है बिना और क्रमक का अर्थ होता है कर्म के साथ, यानी वह वाक्य जो बिना कर्म के साथ है। जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं जुड़ा है
कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, चलना, यह अकर्मक क्रिया है। राहुल चलता है, यह अकर्मक क्रिया है। कैसे चलता है, कहाँ चलता है, इसमें से कोई कर्म जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ समझ लिए हैं कि क्रिया का जो है रूप, दो रूप में यहाँ बताया गया है, अकर्मक रूप में और सकर्मक रूप में। सकर्मक को दो रूप में विभाजित किया गया, एक क्रमक और द्विक्रमक। सीधी सी बात है कि एक क्रमक पर एक कर्म जुड़े हुए हैं और द्विक्रमक में दो कर्म जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस पाठ के इतने से भाग को समझा पाए हैं। धन्यवाद।